टाटा मोटर्स अपनी हैरियर और नेक्सॉन दोनों को फेसलिफ्ट देने वाली है, और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या फिर वीडियोस को रेगुलर बेसिस के ऊपर देखते हो तो आपको पता होगा, और उनके बारे में डिटेल में भी पता होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि हम जब भी किसी गाड़ी के ऊपर रिवाइज्ड वीडियो कोई और अपलोड करते हैं तो उस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ रहता है पिछले वाले वीडियो के मुकाबले। तो ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में भी होने वाले हैं। हमने हैरियर फेसलिफ्ट के ऊपर तो वीडियोज़ बना रखे हैं लेकिन कुछ चेंजेस हुए, इस वजह से हम ये वीडियो फिर से आज बना रहे, और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस वो थे जो इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करने वाले। तो हैरियर फेसलिफ्ट के बारे में बात करने वाले, इसके एक्सटीरियर के अंदर क्या चेंज हो गए, इंटीरियर में कौन से बदलाव होने वाले, और वीडियो के एंड तक आपको लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में भी बताने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि आपके कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन ना रहे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो खैर, हैरियर फेसलिफ्ट की बात कर रहे थे कि गाड़ी के साथ में जब भी ये गाड़ी लॉन्च होगी तो कौन से बदलाव के साथ में लॉन्च होगी, वो टॉपिक्स या फिर वो पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले, उसके बाद हम वीडियो के एंड तक आपको लॉन्च डेट और प्राइसिंग दोनों के ही बारे में बता देंगे, और इंजन में भी बड़ा बदलाव है इस बार, उसकी भी बात करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इंटीरियर से बात करेंगे कि इंटीरियर के अंदर आप कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर नई वाली हैरियर के अंदर इंटीरियर के अंदर कितने चेंजेस होने वाले। सबसे पहले बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अभी आ रखा है, वहाँ पे थोड़े बहुत ट्विक्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाए, जैसा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर रही है, XUV700 भी प्रोवाइड कर रही है, तो इस वजह से आप उसको देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर पूरे चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। इस वजह से बात करें तो वहाँ पे चेंजेस या फिर अपडेट होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल के आने के भी चांसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने आपको ये बता दिया सबसे पहले ही। बात करें स्टेयरिंग व्हील के डिज़ाइन वगैरह के बारे में, तो स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर नहीं भी हो सकता है कि चेंज ना हो, तो 50-50 क्राइटेरिया आप वहाँ पे 50-50 मान सकते हो। बात करें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह की, तो वहाँ पे एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा हैरियर फेसलिफ्ट के साथ में, और आगे चल के सफारी में भी देखने को मिलेगा। वो ये होगा कि गाड़ी के जो भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल होगी वहाँ पे आपको और एक बटन देखने को मिलेगा, वो होगा क्रूज कंट्रोल के लिमिटर का। तो लिमिटर तो अभी वो लोग ये अभी तक तो नहीं दे रहे, लेकिन अब देंगे क्योंकि गाड़ी के साथ में लेवल 2 का एडास होने वाला है। तो लेवल 2 के ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के फीचर्स आपको, रेडार बेस्ड ब्रेकिंग, एक्टिव पार्किंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स आपको हैरियर और सफारी दोनों में ही मिलने वाले, तो एक बड़ा पॉजिटिव आप बोल सकते हो। और इसी वजह से इंटीरियर के अंदर ये सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आने ही वाले ऐसा बोलो तो भी चलेगा। उसके अलावा बात करें तो 10.25 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको फाइनली देखने को मिलने वाली है विद दी अपडेटेड UI और थीम। अभी वाली डिस्प्ले जो है वो है तो 10.25 इंच की, लेकिन उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है जहाँ पे स्क्रीन कवर होती है एक्चुअल में, वो सिर्फ 8 इंच का है। तो वो थोड़ा सा चेंज करके उसको फाइनली अभी 10.25 इंच की अंदर आपको पूरी डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाली है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही वो सपोर्ट करेगी। वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा डिफरेंट ड्राइव मोड्स, डिफरेंट टेरेन मोड्स, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, 14 ESP मोड, ये सारे चीज़ों के साथ में आपको गाड़ी लोडेड देखने को मिलेगी एज अ स्टैंडर्ड। बात कर रहे थे और चीज़ों के बारे में, तो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है। वेंटिलेटेड सीट आपको फ्रंट की देखने को मिलने वाली है। फ्रंट की दोनों सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलने वाली है, लेकिन फ्रंट की जो ड्राइवर सीट होगी वो आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में देखने को मिलने वाली है, बोथ सफारी और हैरियर दोनों के ही साथ में। अभी तक तो थोड़ी बहुत कंसिडरेशन आ रखी है कि ऐसा ही होने वाले हैं, लेकिन जब गाड़ी लॉन्च होगी तब आप उसके बारे में डिटेल में पता लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें थी। पैनोरामिक सनरूफ आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ में देखने को मिलने वाले, कूल ग्लव बॉक्स होगा, फ्रंट आर्मरेस्ट आपको कूलिंग फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगा, लेदर टचेस आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा और अच्छी क्वालिटी के साथ में वो देखने को मिलेगी। प्लास्टिक क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाने वाला है। लेदर सीट्स के फिनिशिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाने वाला है। रियर सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलने वाले। तो ये सारी चीज़ें थी। खैर, अब बात करेंगे एक्सटीरियर के बारे में कि एक्सटीरियर में कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रंट से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले एक्सटीरियर में। फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में पूरी ग्रिल आपको चेंज देखने को मिलने वाली है। हेडलैम्प्स के सेटअप वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत तो ट्विक्स होने ही वाले, मान सकते हो क्योंकि फेसलिफ्ट आने वाला है तो उतना तो ट्विक्स होने ही वाला है। हो सकता है DRL की पोजिशनिंग वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, या फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्विक्स कर दे वो लोग, लेकिन वो अभी तक हमने स्पाइड होती हुई हैरियर के अंदर वो कैमोफ्लेक्स के
साथ में होने की वजह से थोड़े बहुत भी इंसाइट्स नहीं देखे हैं, तो इस वजह से बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी सेटअप वगैरह है वो पूरा वो लोग चेंज कर सकते हैं। फ्रंट बम्पर, फ्रंट ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल वगैरह आपको चेंज देखने को मिलेगी। सेम केस आपको रियर में भी देखने को मिलेगा, रियर टेल लैंप्स के साथ में थोड़ा बहुत ट्विकिंग किया जाएगा। उसके अलावा बात करें तो रियर बम्पर के ऊपर आपको चार पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट बम्पर के ऊपर चार पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट की ट्रीटमेंट बोथ ऑफ द फ्रंट एंड रियर बम्पर के ऊपर वो आपको देखने को मिलने वाली है। रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको फ्रंट ग्रिल के साथ में रेडार भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एडास आने वाला है गाड़ी के साथ में। रियर में भी वही सारी चीज़ें थी, उसके अलावा और कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। साइड से बात की जाए तो साइड में कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और देखने को भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चेंज होगा कि गाड़ी के अलर व्हील्स की डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलेगी, उसके अलावा और कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के एक्सटीरियर के बारे में, यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सटीरियर में और आपको और भी लगता है कि ये सारी चीज़ों को भी अपडेट मिलना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताना आपके हिसाब से कौन सी वो चीज़ है, तो उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगले वीडियो के अंदर, या फिर बात करें टाटा मोटर्स खुद भी कर ले। तो ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर के बारे में थी। खैर अब बात करेंगे इंजन ऑप्शंस और गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में कि वहाँ पे आपको कितने ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो अभी तो सिर्फ 2 लीटर डीजल के साथ में गाड़ी आ रखी है, लेकिन जो फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको 2 लीटर का डीजल और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। तो फाइनली अभी टाटा मोटर्स हैरियर के साथ में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी देने वाली है, जो चैनल हो गए 6 स्पीड के मैनुअल और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर के साथ में। उसके अलावा और कोई चेंज आपको इंजन ऑप्शंस और गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ में देखने को नहीं मिलने वाला है। 2 लीटर जो पेट्रोल होगा वो भी टर्बो पेट्रोल ही होगा ऑब्वियसली, तो वहाँ पे भी आपको माइलेज की दिक्कत है तो आने वाली है, लेकिन जब गाड़ी एक बार लॉन्च हो जाएगी उसके बाद वो देख सकते हैं कि कितना कुछ माइलेज के अंदर वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही बड़ा इंजन हो जाता है, और अगर नेचुरली एस्पिरेटेड दे देते तो फिर वो कहीं ना कहीं अंडर पावर लगने लगेगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा वेट में है, गाड़ी बहुत बल्की है, तो इस वजह से नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल को कैसे दे सकते हैं, या फिर देना चाहे तो भी कितने ट्रिक्स कर सकते हैं पावर या फिर टॉर्क के मामले में, वो अभी टाटा मोटर्स को ही पता होगा। तो ये सारी चीज़ें इंजन ऑप्शंस और गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में थी। लॉन्च की बात करें तो जनवरी 2023 में अभी तक तो एक्सपेक्टेड है कि गाड़ी को अनवील किया जाएगा, और उसके बाद में उसके धीरे धीरे एक महीने के बाद में डिलीवरी स्टार्ट होगी, क्योंकि अनवील जब होगी उसी वक्त बुकिंग स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी लॉन्च डेट के बारे में। अब प्राइसिंग के बारे में बात की जाए कि गाड़ी की प्राइसिंग कहाँ तक जा सकती है, तो वो आप पकड़ के चल सकते हो या फिर मान सकते हो। एक बाउंड्री लाइन में आपको बता दूँ 13 से लेकर 25 लाख एक शोरूम गाड़ी जाएगी, 13 लाख से शुरू होकर 25 लाख एक शोरूम तक गाड़ी को आप मान सकते हो। गाड़ी लेवल 2 के एडास के साथ में आने वाली, तो इस वजह से ऑन रोड तो आपको टॉप एंड ऑलमोस्ट 27.5 लाख तो ऑलरेडी आराम से जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।